मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, गर्मियों में पसीने या फिर बरसात के गंदे पानी की वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनमें से पैरों में फंगस होना भी स्किन प्रॉब्लम में से एक है। इस समस्या के होने पर पैरों में दर्द की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ऑफिस में बंद जूते और जुराबे पहनने से ये समस्या बढ़ने लगती है। आज हम आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हल्दी की। हल्दी कई रोगों का नाश करने के लिए दवाई की तरह काम करता है। पैरों की फंगस से राहत पाने के लिए एक चम्मच हल्दी में 3 चम्मच पानी का मिला लें, फिर इसे रुई के साथ फंगस वाली जगह पर लगाएं। इसे दिन में 3 बार लगाएं। फंगस में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बात करेंगे नीम के तेल की। नीम का तेल एंटीफंगल की तरह काम करता है, इसीलिए ये फंगस की समस्या को बहुत जल्दी ठीक करता है और इसे बढ़ने से भी रोकता है। इसे कॉटन के साथ फंगस वाली जगह पर लगाएं, फर्क आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे। बात करेंगे अब नमक के पानी की। पैरों में किसी भी तरह के फंगस को ठीक करने के लिए नमक का पानी काफ़ी फायदेमंद है। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसके लिए आपको करना ये है कि 1 टब पानी में 2 बड़े चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें कुछ देर के लिए पैरों को डुबो कर रखें। इस उपाय को तब तक करें जब तक पैरों की फंगस ठीक ना हो जाए। बात करेंगे अब नारियल के तेल की। नारियल तेल किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे लगाकर फंगस से तो राहत मिलती ही है, साथ ही साथ इससे होने वाले दर्द में भी आपको आराम मिलता है। बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बंद जूतों की वजह से पैरों में होने वाले फंगस से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा काफ़ी कारगर उपाय है। फंगस की समस्या होने पर बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर पैरों पर लगाएं। फंगस की समस्या से बचने के लिए बेकिंग सोडे को जूतों में छिड़क कर पहनें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये था हल उस समस्या का जिसे कि पैरों की फंगस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।